Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Adi and Mommy Vlogs. So recently past के days में बहुत सारी problems, घर की problems की वजह से मैं videos वगैरह upload नहीं कर पा रही थी. So अब थोड़ी सी मतलब balance होने लगी है life, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फेस्टिवल सीरीज़ किया जाए जिसमें कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फेस्टिव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसे कि कुर्तीज़ हो गए, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे आगे. मैं सोच रही हूँ हफ्ते में दो बार वीडियोस डालूँ, हमेशा ही बोलती हूँ बट कोशिश करूँगी इस बार ही डालूँ. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिंत्रा हॉल. सो रिसेंटली आई गॉट माई हैंड्स ऑन 6 ब्यूटीफुल कुर्तीज फ्रॉम मिंत्रा. सो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जो फर्स्ट कुर्ती, फर्स्टली मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि जो भी लिंक होंगे इनके मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. प्राइसेस मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे. सो जो फर्स्ट कुर्ती मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इस तरह की ब्राउन कलर की कुर्ती. ये देखो आप, इस तरह की कुर्ती है ये, ब्राउन कलर की और बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सी है, स्ट्रेट कुर्ती है और नीचे कोई वर्क नहीं है इस तरह से, देखो आप. और जो कॉलर एरिया है इसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस तरह का वर्क दिया गया है. ये आप प्रिंट कह सकते हो, डिजिटल प्रिंट ये इस तरह का है और नेक इसका राउंड है और बीच में हल्का सा कट दिया गया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है. इससे आप अपने मतलब कि किसी भी फेस्टिव हो गया या फिर किसी फंक्शन में, जो कि घर के फंक्शन होते हैं उसमें वियर कर सकते हो. जैसे दिवाली हो गया, भाई दूज, बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, सो उसमें आप इसे वियर कर सकते हो. बहुत ही सुंदर लगता है, वियर करी हुई वीडियो भी मैं आपको साइड में शेयर कर दूंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. और इसका जो मटेरियल है वो आपका है पॉलिएस्टर मटेरियल, सो ज्यादा उतना मतलब कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है डाला हुआ. और स्लीव्स इसकी 3/4 है, स्लीव्स में भी ये इस तरह का बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया गया है जो कि नेक एरिया में है. सेम स्लीव्स की जो लास्ट पोर्शन होता है उसमें दिया गया है. और इसका जो ब्रांड है अनोक करके ब्रांड है, ये मिंत्रा का ही कोई ब्रांड है. और जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो 899 रुपीज़ है और जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो आपको मैं स्क्रीन पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी. सो फर्स्ट कुर्ती मेरी ये थी, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. सो गाइज, जो सेकंड कुर्ती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की इस तरह की कुर्ती है, आप देख सकते हो. प्रिंट आप देखो कितना प्यारा है और जो इसका नेक है वो आई थिंक राउंड नेक है और मेरा जो साइज था उसमें एम था और इसमें भी मेरा साइज एम ही है. मेरा साइज एम है, लास्ट वाली कुर्ती में भी एम ही था. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की सिंपल सी कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती है, स्ट्रीट कुर्ती. और जो इसका स्लीव्स है वो है 3/4 स्लीव्स कह सकते हो इसे. और मेरे लिए थोड़ी सी लॉन्ग है, मैं नीचे से ऑल्टर करा लूंगी. सो आप लोग अपने साइज के हिसाब से मंगवा सकते हो, साइज सारे अवेलेबल है. और इसका जो मटेरियल है वो है रेयॉन और बहुत ही हल्की कुर्ती है, सो आप इसे भी अपने किसी फंक्शन में या फिर आने वाले फेस्टिवल्स में वियर कर सकते हो. बहुत ही एलिगेंट लगे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ आप वियर करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका, आप देख सकते हो. सो मेरा साइज इसमें एम है और इसका जो प्राइस है वो है 1199 रुपीज. उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल भी आपकी बॉडी को हग एकदम से हग नहीं करता है. बहुत प्यारा मटेरियल है, आप देख सकते हो. पिक जो होगी वो आपको साइड में मिल जाएगी और पहनी हुई वीडियो भी आपको साइड में देखने को मिल जाएगी, आगे आपको कहीं भी दिख जाएगी. सो ये थी मेरी सेकंड कुर्ती, ब्लैक कलर की, बहुत ही प्यारी है और आप देख सकते हो इसमें इस तरह के फ्लावर से बने हुए हैं तो बहुत ही एलिगेंट एंड शीक लुक देता है. सो ये मेरी सेकेंड कुर्ती थी. जो आगे जो कुर्तीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारी कॉटन की होने वाली है, सो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ इन केस मैं अगर भूल जाऊं बताना. सो जो थर्ड कुर्ती है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने अभी कोई भी खोली नहीं है, सो मैं आप लोगों के साथ ही सीधा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ट्राई ऑन प्लस
जो मतलब ओपन करते हैं ना वो वाला हॉल है। सो या सो जो थर्ड कुर्ती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ऑलिव ग्रीन कलर की कुर्ती है, आप देखो। और इसका जो नेक है वो वी नेक है, मुझे वी नेक बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसका जो ब्रांड है गाइज वो अगेन ओनुक, ओनुक आई मेरे को प्रोनाउंस करना इतना आ नहीं रहा, ओनुक करके ब्रांड है, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। और ये कॉटन की कुर्ती है, स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती है, यहाँ से इस तरह से कट है, बाकी कोई डिजाइन नहीं है, स्ट्रेट सी लॉन्ग कुर्ती है, फुल प्रिंट है। और जो इसका स्लीव्स है 3-4 स्लीव्स है, नेक इसका वी नेक है, और क्या नाम है, बहुत ही सुंदर लगती है डाले हुए। इसे आप कोई भी वाइट इयर रिंग्स होगी उसके साथ वियर करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। प्रिंट इसका कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। इसे आप ऑलिव ग्रीन या मेहंदी कलर भी कह सकते हो, मुझे बहुत टाइम से ये वाला कलर लेना था सो मैंने इस बार ही मंगवा ही लिया। सो या ये वाली थी मेरी थर्ड कुर्ती, और इसका जो प्राइस है वो है 899 रुपीज़, स्क्रीन में भी मेंशन कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनकेस आपको इसे बाय करना हो। सो ये है मेरी थर्ड कुर्ती, आप देखो कितनी प्यारी है। और जो फोर्थ कुर्ती है गाइस वो तो मुझे तो आजकल क्या हो रहा है ना, ग्रीन का बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, ग्रीन ग्रीन ज़्यादा ही मंगा रही हूँ मैं। सो जो फोर्थ कुर्ती है वो भी ग्रीन कलर की ही है, और ये भी कॉटन में ही है, और इसका भी नेक इस तरह से वी नेक है, स्लीव्स सेम 3/4 और लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती है इस तरह की, और ग्रीन कलर की, और बीच में जो है ना पूरे ऑल ओवर वाइट कलर के इस तरह के सनफ्लावर्स प्रिंट दिए गए हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के प्रिंट ना, मतलब फ्लोरल प्रिंट मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। सो इसका ब्रांड है, इसका ब्रांड गाइज है, जो बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है इग्नोर करना, बिकॉज मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रही हूँ तो बाहर का हल्ला आ ही रहा होगा। और जो इसका ब्रांड है वो संगारिया करके ब्रांड है, और मेरा साइज इसमें M है, और कॉटन की कुर्ती है। प्लस जो कॉटन की कुर्ती होती है वो आप सर्दियों में गर्मियों में कभी भी वियर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, और फेस्टिव में भी आप कोई भी दिवाली हो गया किसी में भी आप इसे बहुत अच्छे से किसी भी इयर रिंग के साथ पेयर अप करके बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ। वाइट लेगिंग्स होगी, जेगिंग्स होगी, या फिर पैंट होगी, कुर्ती पैंट्स जो होते हैं उनके साथ आप वियर करोगे तो बहुत सुंदर लगता है, अब देखो। और जो इसका प्राइस था गाइज वो था 899 रुपीज़, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट कुर्ती है गाइज वो स्पेशली मैंने करवा चौथ और दिवाली को ध्यान में रख के मंगाया, सो मैं कभी भी उसको पहन सकती हूँ, और ये है रेड कलर की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी कुर्ती, बहुत ही प्यारा रेड है, आप देखो, मतलब जैसा मैंने मिंत्रा में देखा था वहाँ पे एक्चुअल वैसा ही आया है। और इसका जो ब्रांड है गाइज वो है हेयर एंड नाउ करके ब्रांड है, इसकी कुर्तीज़ मैंने पहले भी मंगाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे मटेरियल की होती है, और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल है, सो बहुत ही मतलब कि कंफर्टेबल रहता है कॉटन मटेरियल। और जो स्लीव्स है 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है और स्लीव से, इस तरह से यहाँ पे ना इस तरह का पैटर्न दिया गया है, यहाँ से सिलाई सी दी गई है, सो यहाँ पे जब आप इसको पहनोगे इस तरह से तो ये यहाँ पे इस तरह से फिट बैठेगा, सो मतलब जो शर्ट का होता है ना ये वाला हिस्सा उस तरह से आएगा, और यहाँ पे इस तरह से ये बटन दिए गए, तो बहुत ही एलिगेंट और शीक लुक देगा, बहुत ही सुंदर, और गोल्डन ज्वेलरी के साथ वेयर करोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ ऐसी आ रही है। सो जो इसका नेक है वो नेक इस तरह से राउंड नेक है, और यहाँ पे इस तरह से बटन्स दिए गए हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सा है, और जो ये बटन्स दिए गए हैं ना उससे लुक बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही सुंदर लुक देता है। अगर आप साड़ी वगैरह में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो देन आप करवा चौथ में मतलब बनारसी दुपट्टे या किसी भी हैवी दुपट्टे के साथ इसको वियर कर सकते हो। वो जो ऊपर से नीचे तक तो बिल्कुल ही सिंपल दिया गया है, बट जब नीचे लास्ट की लाइन आती है ना इस तरह से, तो उसमें इस तरह का ना बहुत ही प्यारा सा प्रिंट दिया गया है, फॉयल प्रिंट काइंड ऑफ थिंग है ये, सो इस तरह का प्रिंट है, वियर करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। सो ये इस तरह का प्रिंट है, बहुत ही सुंदर लगता है डाला हुआ।
सो मेरा साइज इसमें जो है एम है और ब्रांड इसका हेयर एंड नाउ है। इसको अपनी दिवाली या फिर करवा चौथ वियर के लिए डेफिनेटली मंगवा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा वियर किया हुआ। मेरा साइज इसमें एम है और इसका जो प्राइस है वो है 1399 रुपीज़। प्योर कॉटन मटेरियल है, सो 1399 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा मटेरियल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो जो लास्ट कुर्ती मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था, इसीलिए मैंने मंगवाया था। और पाउडर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट कलर्स रहते हैं, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ इस तरह का है ब्लू कलर, बहुत ही प्यारा ब्लू है। आप देखो इस तरह का ब्लू कलर है, और ब्लू कलर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा खिलता है, आपके फेस में एक अलग सा ग्लो ऐड कर देता है। सो जो सिक्स्थ एंड लास्ट कुर्ती है वो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की कुर्ती, जिसका नेक है वी नेक, और देखो आप बहुत ही सिंपल सी कुर्ती है, बहुत ही प्यारी सी। अगर आप फेस्टिवल में इसे वियर करोगे ना, आप अलग से ही ग्लो करोगे, अलग से ही बहुत ही एलिगेंट एंड शिक लगोगे। सो स्ट्रेट कुर्ती है, बहुत लॉन्ग है, सो मुझे तो ऑल्टर कराना पड़ेगा, बाकी आप लोग अपने साइज के हिसाब से देख लेना, साइज सारे अवेलेबल है। सो या ब्लू कलर की कुर्ती है, 3/4 लेंथ स्लीव्स है, और प्रिंट बहुत ही सिंपल से फ्लोरल सी प्रिंट है, फ्लावर वगैरह की प्रिंट है फुल कुर्ती में, नीचे तक इस तरह से ना पूरी प्रिंट है। वी नेक है और मेरा जो साइज है इसमें एम है। अगेन अनोक क्या ही है ये अनोक, मैं ना नाम यहाँ साइड में दे दूंगी, सो आप लोग पढ़ लेना। उसका है, और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है, साइज मेरा एम है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी सी एलिगेंट सी कुर्ती है। जिनका मतलब कि टेस्ट मेरे हिसाब का है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा ये, आप डेफिनेटली मंगवा सकते हो, बिकॉज मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये कुछ इस तरह की है, और जो इसका प्राइस है गाइज है वो 899 रुपीज़। सो 899 रुपीज़ में आपको प्योर कॉटन की कुर्ती साथ में ब्रांडेड कुर्ती मिल जाती है, सो उससे ज़्यादा हमें चाहिए ही क्या फेस्टिवल्स में। ये थी मेरी लास्ट कुर्ती, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा है छोटी छोटी वीडियोज़ ही डालूँ, आप लोगों को मतलब मेरी तरफ से वीडियोज़ देखने को मिले, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस फेस्टिवल्स थोड़ा सा मतलब कि कंटेंट ज़्यादा क्रिएट करूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय। एंड आई होप आप लोगों का जो भी मतलब कि फेस्टिवल सीजन है बहुत अच्छे से जा रहा हो। बाय बाय।